रहमान सर, मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा और आपसे आपकी पीड़ा के साथ साथ जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, और बच्चे तो कहना भी गलत है, इंजीनियर हैं जैसे सौरभ या अविनाश या आलोक, इनके साथ क्या हो रहा है? माधव, सीधे सीधे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गलत कह रहा हूं क्या? संदीप जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं सारे स्टूडेंट की बात को सुन रहा था, रहमान सर की बात को भी सुन रहा था, इनके पीड़ा और दर्द को भी समझ सकता हूँ। और इसको कोई मैं सरकार के तरफ से यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं जो काम हुआ, जो लीक हुआ, उसको जैसे जायज ठहराया जाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं, कहीं ना कहीं वो हर जगह दिखता भी है। अगर कहीं चूक हुई है, लीक हुई है, सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर एनईटी से लेकर अग्निशमन अधिकारियों से लेकर बीपीएससी तक, हर जगह तो लीक चल रहा है। देखिए, कहीं चूक हुई है तो निश्चित रूप से सरकार ने उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया और कुछ मुट्ठी पीडीएफ फॉर्मेट में 21 पन्ने लीक हो जाते हैं, यही तो कह रहे हैं रहमान सर। संदीप जी, मैंने क्या कहा, मैं कोई जायज नहीं ठहरा सकता ना इसको। निश्चित रूप से जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्टूडेंट के साथ इस तरह का खिलवाड़ होना कतई उचित नहीं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग सिस्टम में हैं जो इस नेक्सस में से जुड़े हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, वैसे भी केंद्रीय स्तर पे 5 लाख बच्चे बीच अब अधर में अटके हुए हैं ना, सांसें अटकी हुई हैं उनकी, चौथी बार ये, पर 4 बार तो टली, अब हुई है तो रद्द हो जाती है। संदीप जी, मैं यही कह रहा हूं, चाहे केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकार के अधीन जो सरकारी जॉब है या स्टेट के अधीन जो सरकारी जॉब है, एक तो सरकारी जॉब अब रहा नहीं, आप भी जानते हो, और यह कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के तरफ पूरी केंद्र सरकार बढ़ रही है, वो तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में बहुत लिमिटेड जॉब बच गया, और वो भी लिमिटेड जॉब में अगर परीक्षा की पेपर लीक होती है तो निश्चित रूप से छात्रों को निराशा ही हाथ लगती है। नहीं, सचिव कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी 5 लाख लोग आ जाएंगे जी पेपर देने। देखिए, सचिव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर नहीं, अगर परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और हम लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का काम किया है, और जहां तक अगली परीक्षा का डेट है वो भी जल्दी ही आपको जैसे अनाउंस सरकार की तरफ से होगा, बीपीएससी की तरफ से होगा। और ये लंबा इतिहास है बीपीएससी का पेपर लीक का। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैं यही कह रहा हूं कि ये नेक्सस है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस धंधे में जुड़े हुए हैं, जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे जो है काफी संवेदनशील है, सरकार इसको जैसे वो देख रही है, त्वरित कार्रवाई करने का काम किया, और आगे इस तरह की घटना घटित न हो सरकार उस पर ठोस कदम उठाने जा रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एश्योर करना चाह रहा हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे बयान दिया है और उन्हें कहा कि आप भरोसा देते हैं माधव आनंद, जल्द से जल्द ये परीक्षा होगी, सुनिश्चित किया जाएगा, सिस्टम को ठीक किया जाएगा, ये मखौल, ये भद्दा मजाक किया जा रहा है युवाओं के साथ। देखिए, मैं समझ सकता हूं इनकी पीड़ा जो है, मैं समझ सकता हूं, मैं भी एक युवा ही हूं, मैं समझ सकता हूं दर्द को, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई है, सिस्टम में कहीं कुछ कमियां हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, आखिर सिस्टम से ही कहीं ना कहीं लीक हुआ है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम को सुधारना भी हम ही लोग का काम।